कुष्ठ रोग सुनबहरी खत्म खत्म खत्म। नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को। आज का वीडियो देखने के बाद में आप अपने को अभी से इसी वक्त से कुष्ठ रोगी मानना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवा से कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। महात्मा हेनीमैन एलोपैथ के बहुत विद्वान डॉक्टर थे और किसी भी बीमारी को एलोपैथिक दवा से बहुत जल्द आराम कर देते थे। आराम तो कर देते थे, लेकिन वो बीमारी फिर बाद में पहले से भी भयंकर रूप में आ जाता था और एलोपैथ दवा से वो जड़ से ठीक नहीं हो पाता था। एक बीमारी देखते थे तो उसका साइड इफेक्ट होने लगता था, दूसरे बीमारी को जब देखते थे तो तीसरा बीमारी आ जाता था, और तीसरे बीमारी को जब देखते थे तो चौथे बीमारी। इस तरह से शरीर जो है आपका बिल्कुल बीमारी का वो घर बन जाता था। तो महात्मा हेनीमैन ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया जाए जो कि मरीज को बिल्कुल जड़ मूल से वो ठीक कर दे, अन्यथा कोई बीमारी एक बार शरीर में आ जाने के बाद में जीवन भर चलता रहता था। इसे हेनीमैन साहब काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने होम्योपैथिक दवा का उन्होंने आविष्कार और निर्माण किया। पिछले वीडियो में मैंने हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा आपको हमने बताया था कि ये कुष्ठ रोग के लिए बेहतरीन कारगर होता है और रामबाण है। ये प्राथमिक उपचार के लिए बहुत अच्छी दवा है। यदि आप किसी भी इलाके में हैं तो आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में जाकर आप दिखाएंगे तो ये दवा मिलेगा आपको। हाइड्रोकोटाइल 200 यानी 2 से 4 बूंद सुबह शाम 1 चम्मच पानी के साथ अथवा आधे कप पानी के साथ, अथवा आपको इसे डायरेक्ट ये ढक्कन खोलकर ऐसे जीभ पर आपको 2 से 4 बूंद टपका लेनी है। इससे कुष्ठ रोग आपको धीरे धीरे बढ़ना बिल्कुल रुक जाता है और इस तरह से आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। यदि आपके पास फार्मेसी उपलब्ध है तो आपको अवश्य यहाँ पर संपर्क करनी चाहिए। उसके पहले हम आपको इतने अच्छे ढंग से कुष्ठ रोग के बारे में हम बता देंगे कि आप किसी भी डॉक्टर के बिना आप इसे खुद स्वयं आप जान पाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं। यदि संशय की स्थिति है कि डॉक्टर से दिखाने के बाद में भी आपको मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सी बीमारी है, आप उसे साधारण चर्म रोग और घाव समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए साधारण से साधारण व्यक्ति को भी कुष्ठ रोग के बारे में आपको जाननी चाहिए। यदि कुष्ठ रोग में यदि आपका कोई भी हाथ पांव की उंगली टेढ़ा होने लगे और यहाँ पर सुन्न दिखाई देने लगे और चमड़ा मोटा होने लगे और वहाँ पर आपको पीन अल्पीन चिट्टी या कोई भी नुकीला पदार्थ आपको हलाने के बाद में यदि वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है। ये मान लीजिए कि नुकीला चीज़ है, आपको यहाँ पर सुन्न है, यहाँ पर दबा के देखेंगे, यदि दबाएंगे यानी नुकीले चीज़ से कोई भी नुकीला चीज़ आप ले सकते हैं, जैसे आपको ये कहीं भी जिससे छेदा नहीं हो आप देखेंगे या चिट्टी काटेंगे कहीं पर भी आपको कुष्ठ रोग हो तो वहाँ पर सेंसेशन यानी वहाँ पर यदि आपको किसी भी तरह का दर्द तकलीफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, सुन्न लग रहा है, तो आपको माननी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है। सरकारी अस्पताल में आपको MDT कुष्ठ रोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन बहुत सारे मरीज का कहना है कि सर MDT का दवा हम खाए हैं लेकिन जब तक खाते हैं तब तक दवा काम करता है, छोड़ देने पर पुनः वापस आ जाता है बीमारी, थोड़े दिन तक आराम रहता है और किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट भी होने लगता है, और साइड इफ़ेक्ट में आपको शरीर का काला होना, थकान होना, आँखों का रोशनी कम होना।
कुष्ठ रोग का लक्षण जानना आपके लिए बेहद क्यों जरूरी है? यदि आप लक्षण सही से नहीं जानते हैं तो आपको हाथ पांव आपको कटवानी भी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अन्य चर्म रोग के भी अंतर को समझना चाहिए। यदि कोई भी डॉक्टर आपको सोरायसिस हुआ है या आपको रिंग वर्म दिनाए या किसी भी तरह का मासा गिल्टी कोई भी चमड़े का बीमारी है तो आपको ऑपरेशन से बचनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवा है तो आपका बीमारी अवश्य ठीक होगा। किसी भी तरह का आप चमड़ी या हाथ पांव काटने की इजाज़त किसी भी डॉक्टर को न दें। पहले आप होम्योपैथिक चिकित्सा या आप होम्योपैथिक फार्मेसी या अन्य किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सा से संबंधित आप जानकारी लीजिए। हम मुझे आशा है कि आपका कुष्ठ रोग आपका अवश्य ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग में आपको हाइड्रोकोटाइल के साथ साथ चालमोगरा का तेल भी बहुत ही कारगर है। इसके साथ भी बहुत तरह के चर्म रोग आपको है तो उसके लिए हमने कई दवा हमने बताए हैं। ग्रेफाइटिस पुराने से पुराने चर्म रोग के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। काला काला आपको वहाँ पर खुजली बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर शहद की तरह गढ़ा मवाद आता है, और पेट्रोलियम जो है जाड़े के दिन के लिए चमड़े की बीमारी के लिए खास दवा है। रस्टक्स में लाली रहता है और खुजली बहुत ज़्यादा रहता है, और मर्कसोल में आपको एकाएक आपको जार बुखार बहुत ज़्यादा आएगा। उसके साथ में आपको पैर में सूजन का भी कंप्लेन आता है, और चमड़े की बीमारी है तो मर्कसोल कैल्केरिया सल्फ आपके लिए बेहद कारगर है। ये मरीज के लिए वीडियो ये समझने के लिए है, लेकिन और भी चिकित्सक जो हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको इलाज करने में काफ़ी आसान होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को। तो अभी एक सवाल आता है कि कुष्ठ रोगी को क्या क्या खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए। कुष्ठ रोगी को आपको फल मूल शाकाहार भोजन आपको करनी चाहिए, और आंवला संतरा फल फ्रूट्स काजू मेवा बादाम ये सब चीज़ आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और आपको किसी भी तरह का अंग्रेजी दवा आपको इसमें अंग्रेजी दवा के इलाज से बचनी चाहिए, और आपको नशे में सब प्रकार के नशा में सबसे ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आपके चमड़े के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। खैनी उसके बनिस्पत कम बीमारी करता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत दिन आपका खैनी का आदत रहेगा, और ज़्यादा दिन आप खैनी लेंगे तो आपको कुष्ठ रोग के साथ साथ आपको कैंसर की बीमारी भी हो सकता है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो आप खैनी या किसी भी तरह का आप नशा करते हैं उस पर साफ साफ लिखा रहता है। किसी भी तरह का तंबाकू लेना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम नहीं कर रहे हैं, सरकार का आपको ये सूचना है और उस पर कोर्ट का निर्देश है कि आप जहर पर जहर लिखिए, अमृत परोसने की कोशिश नहीं करिए। नहीं तो जहर के नाम पर भी अमृत परोसने का काम बहुत सारे व्यवसायी लोग कर सकते हैं। पैसा कमाना ही बहुत लोगों का उद्देश्य होता है, पैसा कमानी चाहिए बेशक, जीने खाने का हक सबको है, लेकिन आप किसी को नशा देकर और नशीले पदार्थ खिलाकर पैसा कमाना ये उचित नहीं है। अब आइए अपने हम विषय पर आते हैं कि कुष्ठ रोगी को आपको खैनी या नशा किसी भी प्रकार का लेते हैं तो उसे कम कर लेनी चाहिए, और हेल्दी मिनरल जिसमें खाना जो पौष्टिक है हरा सब्जी जो भी है आप खा सकते हैं। इसमें आपको परवल हो गया, आपको भिंडी हो गया, करेला हो गया, बहुत सारे जो भी है मीट मांस मछली अंडा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम आपको लेनी चाहिए, और शाकाहारी फल लेनी चाहिए। शाकाहारी खाना और फल आपको लेनी चाहिए, उसमें भी विटामिन सी जिसमें संतरा हो गया, आंवला हो गया, आंवला का चटनी मुरब्बा ये सब आपको फायदा करेगा। तो आज के वीडियो में अब उसके साथ साथ चमड़े का किसी भी प्रकार का बीमारी है आपको तो चमड़ा छीलने की अनुमति आप किसी को नहीं दीजिए, क्योंकि चमड़े का बीमारी छीलने से नहीं जाएगा बल्कि होम्योपैथिक दवा से ठीक होगा। किसी भी तरह का आपको असाध्य बीमारी है, चमड़े का टीबी है, कैंसर है, या चमड़े का अन्य कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरी बात मानिए, यदि लक्षण मिलता है तो आपका बीमारी अवश्य ठीक होगा। यदि आप कहीं भी दिखा रहे हैं, यदि आपका कुष्ठ रोग, चर्म रोग या अन्य कोई भी बीमारी आपको
ठीक नहीं हो रहा है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी असाध्य बीमारी आपको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तमाम तरह के आप चिकित्सा ले रहे हैं, आप बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से दिखा रहे हैं और सभी तरह के डॉक्टर लगभग आपको होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यानी जितने तरह का चिकित्सा पद्धति है यूनानी सब आप प्रयोग कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका बीमारी टस से मस नहीं हो रहा है तो एक बार आप अवश्य ही व्हाट्सएप करके सलाह ले सकते हैं। हो सकता है कि सलाह हमारे एक आशा के किरण आपको जगा दे। यदि हमारे वीडियो देखने के बाद में कोई भी बीमारी आपका ठीक हो जाता है तो हमारे चैनल और वीडियो बनाने का मकसद पूरा होता है। जिस उद्देश्य के लिए वीडियो बना रहे हैं वो उद्देश्य पूरा होता है। आज हमारा वीडियो देश विदेश सभी जगह देखे जा रहे हैं और कुष्ठ रोग पर काफ़ी वीडियो मेरा पसंद किया जा रहा है। यदि आपको भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करना न भूलें, या तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लाइक करें या डिसलाइक करें, आप लाइक करें या डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आपको अवश्य देनी चाहिए। तो आपको खुजलाते खुजलाते यदि बहुत ज़्यादा आप हैरान हो गए हैं तो सल्फर एक महान दवा है, सोरा दोषनाशक है। यदि सल्फर काम नहीं आए तो सोडियम का प्रयोग कीजिए, सोडियम काम नहीं आए तो आपको सिफिलिनम करनी चाहिए, सिफिलिनम काम नहीं करे तो आपको एसिड नाइट्रिक करनी चाहिए। और किसी भी तरह का आपको दिक्कत है, यदि लाली आपको है और चर्म रोग है तो आपको रस्टक्स पर, आपको सल्फर पर और बेलाडोना पर आपको अवश्य विचार करनी चाहिए। सल्फर और बेलाडोना बहुत तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और टेलुरियम का रिंग वर्म में तो जवाब नहीं है। यदि आपको पैसे के आकार का यानी दिनाए है, रिंग वर्म है, तो टेलुरियम, सीपिया, आर्सेनिक एल्बम आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। बायो नंबर में भी आपको काम आ सकता है, बायकेमिक के भी कई कॉम्बिनेशन आपको काम आ सकता है। इसके साथ साथ कैल्केरिया सल्फ, मर्क सोल, यदि आपको जार बुखार, सिहरी देकर यदि पैर में सूजन आता है तो आपको वहाँ पर मर्क सोल का प्रयोग करनी चाहिए। अब फिर आते हैं कुष्ठ रोग पर। यदि कुष्ठ रोगी का यदि पैर सूना हो गया है और उनका चलने के समय में पैर से चप्पल यदि आपको निकल जा रहा है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये पैर का चप्पल जो निकल जाता है, दवा का 2-4 महीना यूज करने के बाद में पैर से चप्पल निकलना धीरे धीरे बंद हो जाता है और कुष्ठ रोगी को जो थकान होता है काफ़ी और आँख की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है, इन सभी दवाओं से आपका उपचार किया जा सकता है। होम्योपैथिक दवा आपको 100% आपको बीमारी ठीक करने में बिल्कुल ही सक्षम है। होम्योपैथी का निर्माण इसलिए ही किया गया है कि जहाँ पर एलोपैथ दवा से जड़ मूल से ठीक नहीं होता है वहाँ होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप चिकित्सा के सिद्धांत को आप समझिए और अंतर को समझिए। आयुर्वेदिक दवा भी आपको चर्म रोग, कुष्ठ रोग या अन्य कई भी तरह के बीमारी को जड़ से ठीक करने में सक्षम है, लेकिन आयुर्वेदिक का डॉक्टर जल्दी आपको नहीं मिल पाते हैं और दवाखाना भी जल्दी नहीं मिल पाता है और एक तरह से आयुर्वेद का बहुत महंगा दवा होता है। सफ़ेद दाग के भी रोगी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पी सुरालिया, आपको सुरालिया सी जो है दवा 10 बूंद 1 कप पानी में किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप प्राइमरी स्टेज में आप ले सकते हैं, तब तक जब तक आप डॉक्टर से नहीं दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि कुष्ठ रोग हुआ है तो हाइड्रोकोटाइल और सफ़ेद दाग हुआ है तो आपको सुरालिया आपको दवा याद रखनी चाहिए। बहुत सारे दवा हैं जिसे आपको थोड़े से वीडियो ये कम समय का होता है, इस पर सभी चीज़ को दिखाना संभव नहीं रहता है। आप हमारा कई वीडियो GSMP हमारे चैनल का नाम आप नोट कर लीजिए, GSMP क्लिनिक एंड न्यूज के YouTube में जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएगा इन सभी बीमारियों पर।
आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को, तो आपको किसी भी तरह का आपको ब्लड कैंसर जैसे घातक बीमारी भी होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हुआ है। एलोपैथ के डॉक्टर देखकर हैरान है, हमारे पास उसका भी रिपोर्ट आ गया है ब्लड कैंसर का भी, जो कि ब्लड कैंसर भी आपको बहुत आसानी से होम्योपैथ से ठीक हो जाता है। उनको ब्लड कैंसर के दौरान मुंह से नाक से अक्सर खून आया करता था, होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल वो समाप्त हो गया। कुष्ठ रोग, चर्म रोग या अन्य असाध्य बीमारी आपको सही जानकारी नहीं होने के वजह से आप बहुत ज़्यादा दिनों तक जो जड़ से क्योर नहीं करता है दवा, उसी को यदि आप ले रहे होते हैं तो निश्चित रूप से आपको असाध्य बीमारी आपको हो जाएगा। यदि चमड़े का बीमारी आपको बहुत दिन से है, आप उस पर तरह तरह का मलहम, लोशन, एंटीबायोटिक खाकर आप दबाए हुए हैं, तो धीरे धीरे वो कैंसर के रूप में आपको बदल सकता है, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए एलोपैथ का कम से कम प्रयोग करें, इमरजेंसी की स्थिति में आप उसे काम लें। हर बीमारी में आप एलोपैथ का प्रयोग करेंगे तो आपका बीमारी असाध्यावस्था में चला जाएगा, और होम्योपैथिक भी उस समय में धीरे धीरे प्रभाव तो जरूर करता है लेकिन बहुत टाइम ले लेगा। तो कुष्ठ रोगी और किसी भी तरह का आपका चमड़े का बीमारी है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GSMP क्लिनिक आई न्यूज आपको जन जन तक जानकारी देता है। और आपको इस तरह से कुष्ठ रोग का ये पहचान क्या है ये आपको सिकुड़ जाएगा, हाथ पांव मुड़ने लगे, पैर का या हाथ का चमड़ा मोटा होने लगेगा और कलर वहाँ पर धीरे धीरे बदलने लगेगा। चमड़ा क्या होगा, वहाँ आपको उठा उठा और कलर बदलेगा और थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट आपको दिखाई देगा, किसी किसी को ज़्यादा भी दिखाई देने लगेगा ज़्यादा दिन होने के बाद। आपका मस्तिष्क भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और आपको तरह तरह का थकान आपको आता है और हाथ में झनझनाहट रहता है और पैर का चप्पल निकल जाएगा यदि पैर में आपको हुआ है, और ज़्यादा दिन रहने के बाद में हाथ का उंगली बिल्कुल ये नख पहले धीरे धीरे ख़त्म होता है, उसके बाद पैर का नख धीरे धीरे ख़त्म होता है, इस तरह से हाथ पांव का उंगली आपको झड़ने लगता है। और कहीं आप सर्जन के पास भूल से चले गए बहुत बड़े सर्जन के पास में, तो हो सकता है कि हाथ पांव आपको वहां पर कटवानी पड़ी, तो पहले यदि आपको ज़रूरत है तभी हाथ पांव कटवाएं, नहीं तो ऑप्शन आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 100% आपको हाथ पांव नहीं कटवानी पड़ेगी, चाहे मुसीबत में आप क्यों ना हो, चाहे सुई के घाव की वजह से आपको सुई के चलते आपको यदि बाँह में इंजेक्शन लगा है वहाँ पर घाव बना लिया है, यदि कुल्हे पर इंजेक्शन लगा है घाव बना लिया है, यदि दोनों छाती में किसी को गिल्टी बड़ा से बड़ा है तो उसमें भी आपको ऑपरेशन नहीं करानी पड़ेगी, इसकी लंबा दवा चलने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलेंगे। अब हमें ये आशा है कि किसी भी तरह का आपको बीमारी है, जैसे कान का भी बीमारी है तो आपको कान का ऑपरेशन कभी नहीं करानी चाहिए, गले का में कोई बीमारी है तो आपको गले का ऑपरेशन नहीं करानी चाहिए, पेट संबंधी अपेंडिक्स, पथरी किसी भी तरह का है आपको एक बार होम्योपैथिक जरूर चिकित्सा करानी चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी तरह के ऑपरेशन से अपने को बचा पाएंगे, समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और बीमारी जड़ से ठीक होगा, पुनः अपने जवानी को प्राप्त करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल में विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।